जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अमनदीप और इस टाइम मैं खड़ा हाँ चंडीगढ़ मुल्लापुर वाली रोड पे। तो अज असी जा रहे हैं जयंती माजरी, एक जयंती देवी का टेंपल है तो उतें तो लैके जाता है। मैं खुद बड़ी देर बाद जा रहा, घट्टो घट 10-12 साल बाद जा रहा। तो अज छुट्टी सी तो इस करके सोचा कि उत्थे जाके नाले दीदार करिए, नाले तुहानू भी करवाइए। उम्मीद है सफ़र अच्छा लगेगा तुहानू। ये जयंती देवी जिहड़ा टैंपल है ये उत्थे जाण वाला रोड है, सिंगल रोड है और आसे पासे जंगल है। वैसे हुण आबादी थोड़ी वध गई है इस पासे, और जिहड़ा जंगल सी उसते खेत वगैरह बनाते। उपर जावांगे, मंदिर काफ़ी हाइट ते है, और पुछांगे उत्थे पंडित जी को या उत्थे दे किसे लोकां तों पुछांगे जो सानू इन्फॉर्मेशन दे सके। और इसका बहुत पुराना इतिहास है, मेरे ख्याल नाल पांडवा के टाइम का है। पांडवा ने कोई युद्ध जितया सीगा ते उस तो बाद इत्थे ये टेंपल बनाया सी। और एक होर बड़ी एक अजीब गल मैनू इत्थे देखने को आती है कि जिहड़ा जयंती माजरी पिंड है उत्थे जिन्ने भी घर है वो सारे ग्राउंड फ्लोर ते है, उसका कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं बनी हुई। पर अज मैं जरूर पूछांगा कि पूरे पिंड दे विच ऐसी कैड़ी गल है कि सारे ने ग्राउंड फ्लोर ते ही घर बनाए हुए हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पांदा ही नहीं उत्थे। असी पहुंच गए माता जयंती देवी मंदिर, और आज संडे है तो आज काफ़ी रश है, इतने काफ़ी लोग आए हुए हैं। और मैं हूँ इतने गाड़ी लॉक करके तो उपर जाता, तो नाल नाल वीडियो बनाऊंगा, अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। तुसी जरूर लाइक करियो और पूरी देखियो।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਨੌਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ 450 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ
और तकरीबन 350-450 पौड़ी इन्होंने दसी है पंडित जी ने। ते काफ़ी उच्चा मंदिर है और काफ़ी ही मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी वाइब्स आनी है इतने आके, और भगतों को देख के लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तुम्हें गुजारिश करूंगा कि एक बार तुम जरूर आयो, चंडीगढ़ च रहते हो या चंडीगढ़ के आस पास रहते हो तो एक बार जरूर इतने आके दर्शन दीदार करो। तद तक लिए इजाज़त दो, अपना ख्याल रखियो, धन्यवाद।